अपना एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसके पीछे मेहनत करेंगे और सरकार हमें हर महीने पैसे देगी, तो मेरे भाई इस गलतफहमी में मत रहो, ऐसा नहीं होने वाला है। आपने ये न्यूज़ तो पढ़ी ली होगी कि अब जो आपकी गवर्नमेंट है वो यूट्यूबर्स को या फिर डिजिटल क्रिएटर, चाहे आप इंस्टाग्राम पे काम करें, ट्विटर पे काम करें, फेसबुक पे काम करें, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रीच कितनी है उस हिसाब से आपको पैसे देगी और वो 10,000 रुपये से लेके 5,00,000 रुपए तक की हो सकती है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं इसी वीडियो में। लेट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कॉस्टी, वेलकम टू माय चैनल टेक विद कॉस्टी। इस न्यूज में घुसने से पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया क्यों। स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ और राजस्थान गवर्नमेंट ने तो इस चीज को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। इसका कारण यह है कि आज के टाइम पे काफ़ी ऐसे लोग हैं, या फिर आप मान लीजिए काफ़ी ऐसी जनरेशन है जो टीवी, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर कंज्यूम नहीं करती, मतलब ना ही वो देखते हैं, ना ही सुनते हैं, ना ही पढ़ते हैं। वो मैक्सिमम अपना टाइम मोबाइल पे बिताते हैं, जो डिजिटली कनेक्टेड रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत क्लोजली एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद देखा कि ये जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, इसको अगर हम टारगेट करना चाहते हैं, इन लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्शन का मैसेज हो या कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में हो, तो क्रिएटर्स को टारगेट करना पड़ेगा। अगर हम क्रिएटर्स के पास पहुंच जाते हैं और स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो वो अपने वीडियो के थ्रू से, अपने कंटेंट के थ्रू से सरकार की जो बात है वो अपने ऑडियंस तक पहुंचाएगी। और आप जानते हैं आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हो, घर पे हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वो सब अपने मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर अपना मैसेज इन लोगों तक पहुंचाना है तो क्रिएटर का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। यही है इस चीज की बैकग्राउंड सोच। अब आप जानते ही हैं कि लोगों को जब ये न्यूज के बारे में पता चला, लोगों ने धड़ल्ले से वीडियो बनाई है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, लाखों में व्यूज आ रहे हैं, मगर इस न्यूज के पीछे की सच्चाई क्या है उसके बारे में कोई बता नहीं रहा है। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करता हूं, आप सुनिए उन चीजों को और अपना क्या व्यू है मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। सबसे पहली बात, ये जो फंड है ना, ये सिर्फ उन क्रिएटर्स के लिए है जो एक लेवल पे पहुंच गए हैं, या तो बहुत बड़े क्रिएटर है, मतलब लाखों या फिर मिलियन में सब्सक्राइबर है, या कम से कम बता रहा हूं यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर के बेस में है। सेकंड पॉइंट ये है, ये जो फंड है ये हर मंथ नहीं मिलेगा। जब भी सरकार कोई भी स्पॉन्सरशिप देना चाहेगी या कोई भी मैसेज लोगों तक कम्युनिकेट करना चाहेगी, तभी ये फंड आएगा। अब ये फंड हमारे तक कैसे आएगा इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम केसेस में यही होगा कि ये जो फंड है ये सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स लेके जाएंगे। ऑलरेडी यूट्यूब के थ्रू से वो लाखों रुपए तो कमा ही रहे हैं, अब गवर्नमेंट की भी जो स्पॉन्सरशिप आएगी ना, ये पहले सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को टारगेट करेगी क्योंकि उनके पास जनता है। एक वीडियो के नीचे एक बहुत फनी कमेंट पढ़ा मैंने, वहां पर एक बच्चे ने ये लिखा है कि अब हमें सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अब हमें जिस चीज की जरूरत है, हमें सिर्फ एक हैंडल बनाने की जरूरत है, डिजिटल हैंडल जिसे हम कहते हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसके पीछे मेहनत करेंगे और सरकार हमें हर महीने पैसे देगी, तो मेरे भाई इस गलतफहमी में मत रहो, ऐसा नहीं होने वाला है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो फंड है या आपकी सैलरी जैसा नहीं है कि हर महीने आएगी। जिस तरह से किसी भी यूट्यूबर के लाइफ में आप देखते हो क्या हर वीडियो स्पॉन्सर्ड होती है, ऐसा नहीं होता है ना। जब कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप देना चाहती है तभी वो यूट्यूबर उस चीज़ के ऊपर स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाता है, तो सरकार का भी ऐसा ही होगा। तो आप अगर पढ़ाई से फोकस हटा रहे हैं इस न्यूज़ को छोड़ के, तो ऐसा मत करें। स्पेसिफिकली जो क्रिएटर छोटे हैं, जो बच्चे हैं, कि इस चीज़ को लेकर इतना पागल मत बनो, घर पर लड़ाई मत करो कि अब सरकार हमें पैसे देगी, सरकार हमें 10,000 रुपए दे सकती है, 5,00,000 रुपए तक दे सकती है, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये फंड रिलीज होगा ना, तो मैक्सिमम बड़े यूट्यूबर्स के पास ही जाएगा, जो छोटे या फिर जो नए यूट्यूबर्स हैं जो मिड रेंज में, उनके पास 1 रुपया भी आके नहीं पहुंचेगा। अगर मेरे पास स्पॉन्सरशिप आती है तो मैं जरूर आपके साथ वीडियो बना के इस बारे में शेयर करके बताऊंगा कि एक्चुअली कितने रुपए आए और किस तरह से ये पैसे आए। तो आज के लिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मुझे ये न्यूज़ अच्छी तो लगी, प्राउड मोमेंट तो है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे इस बारे में पता चला कि सरकार ने फाइनली रियलाइज किया है कि ये डिजिटल मीडिया में ये जो क्रिएटर्स हैं इनका भी एक से है, इनका भी एक स्ट्रेंथ है, मगर रियलिटी में ये पैसे जब तक किसी के पास आके पहुंच नहीं रहे और कोई अगर अपना वीडियो शेयर नहीं कर रहा है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली कितने पैसे आ रहे हैं और कितने रेगुलरली ये पैसे आ रहे हैं। मैं ऐसा मान के ही चल रहा हूं कि फर्स्ट फेज में जब इसकी अलॉटमेंट होगी तब सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को ही बेनिफिट मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं पर्सनल लेवल पर जाके आप लोगों के मैसेज पढ़ता हूं, उनके रिप्लाई भी देता हूं। आज के लिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। और हाँ, जाने से पहले आप अगर जानना चाहते हैं कि 699 मतलब 699 रुपए देके आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि नहीं, उससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आई बटन पर क्लिक करके ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपने ख्याल रखें। और आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, @IAMCOSTY आपको ID स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो आज के लिए इतना ही।
बाय।